कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो, है ना जी। नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि शर्मा जी इन्फिनिटी के ऊपर जो है वो एक दो तीन नहीं बल्कि सात व्लॉग जो है वो आ चुके हैं, जाकर ज़रूर से देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो है वो वीडियो का सिलसिला आज फिर से जो है वो शुरू करते हैं। और सिलसिला बंद क्यों हो गया था ये भी आपको हमारे व्लॉग में ही पता चलेगा। सफ़ेद कोट और गले में स्टेथोस्कोप, वही जो धड़कन सुनने वाली मशीन होती है, इन दो चीज़ों को देखकर आप बता सकते हैं कि हाँ भाई साहब, ये बंदा जो है वो एक डॉक्टर हो सकता है या फिर है। अभी जो हालात हैं दुनिया के अंदर आपको पता ही है, इस डिवाइस से जो है कोरोना वायरस काफ़ी जगह जो है फैल सकता है। तो आज ही के दिन मतलब इन दिनों के अंदर आयु सिंक नाम की एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, जिसने जो है वो स्टेथोस्कोप को एक रीथिंक किया है। सोचा है कि उसको जो है कॉन्टैक्ट लेस, यानी कि बिना डॉक्टर के पेशेंट खुद भी जो है डिजिटल चेक कर सकता है। तो ये फोटो आप जो है वो देख सकते हैं, स्टेथोस्कोप को उन्होंने जो है वो डिजिटल यहाँ पर बना दिया है। आपने फ़ोन के साथ में उसको कनेक्ट करके अपने दिल पर लगाइए और आपका जो फ़ोन है वो आपकी धड़कन बता सकता है कि क्या जो है वो हो रही है, और आप इसको डॉक्टर को जो है वो भेज सकते हैं। आज की तारीख में अगर जो डॉक्टर है वो गले में लटका के रखता है उसको, पुराने वाले को, पेशेंट्स को चेक करता है, और मान लीजिए कोई वायरस इन्फेक्टेड वहाँ पर है कोविड वाला, तो वो जो है वो आगे फैला भी सकता है। तो आज की तारीख में इस तरह के डिजिटल स्टेथोस्कोप की जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत आ गई है। तो ये कंपनी है यहाँ की जिसने इसको इन्वेंट किया है, और देख कर जो है वो आपको गर्व होना चाहिए कि इसको जो है इंडिया में इन्वेंट किया गया है। ठीक है ना, काम की बात, टेक्नोलॉजी वाली बात। इंटरनेट की स्पीड जो है वो धीरे धीरे गिरनी शुरू हो गई है जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है। तो ओकला, स्पीड टेस्ट वाला ओकला है ना, जो पता होगा आपको, तो उसने जो है अपनी मार्च की रिपोर्ट दी है, और वो कहता है कि उसकी जो स्पीड है वो गिर गई है। यहाँ पर 39.65 MB थी, यहाँ पर जो गिर कर जो है वो 35.98 MB हो गई है, और जो रैंकिंग थी इंडिया की वो 69 से बढ़कर जो 71 हो गई, यानी टॉप 100 में 69 पे था। स्पीड अब ज़्यादा कम हो गई है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अपना जो घर का ब्रॉडबैंड है या फाइबर नेट है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो स्पीड यहाँ पर कम हो गई है। साथ ही साथ जो अपलोड है वो यहाँ पर 33.72 MB पे आ गया है। इसी तरह से जो मोबाइल की एवरेज स्पीड है वो भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा घट गई है, 1.68 MB तक आ गई है। ठीक है, टिकटॉक का इंडिया में जो है वो अप एंड डाउन चलता ही रहता है, कभी वो बैन होता है, कभी वो वापस आता है, बूम पे जाता है, एक कंपटीशन यहाँ पर क्रिएट करता है अपने सोशल मीडिया वालों के साथ में, और फिर से उसके ऊपर जो है बैन के बादल मंडराने लगते हैं, और फिर से टिकटॉक निकल के आता है बीच में, कहता है कि मैं जो है वो 100 करोड़ रुपीज़ जो है वो दे रहा हूँ मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए इंडिया के अंदर। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर जो है वो चलती रहती हैं, आपको पता ही है। बात करते हैं यहाँ पर सैमसंग की। सैमसंग को किसी भी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब दूसरों की चीज़ों से, खुद की चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है, दूसरों से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सैमसंग का A20E, उसमें आपको जो है वो एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिलना शुरू हो गया है, ए जो उनकी वन UI है 2.0 वाली। साथ ही साथ उनके जो नए फ़ोन हैं गलेक्सी A71 5G, गलेक्सी A51 5G, 4500 mAh की बैटरी के साथ में इनको जो है वो लॉन्च कर दिया गया है। इनको जो है वो लॉन्च कर दिया गया है US के अंदर, और इनकी जो कीमत रखी गई है A71 5G की जो कीमत है वो $600, यानी कि 45,800 रुपये हो सकती है इंडिया में आएगा तो, लेकिन इंडिया में थोड़ा सस्ता आएगा क्योंकि सैमसंग ने अपने चाइना में एक रिपोर्ट निकल के आई थी बीच में, पता नहीं सच है या नहीं है, लेकिन बता देते हैं आपको कि सैमसंग जो है वो चाइना में अपनी फैक्ट्री बंद कर रहा है, और वो मोस्टली इंडिया के अंदर या उसके और भी जहां पर है वहीं पर ये जो है वो बनाना शुरू करेगा। तो A71 5G जो है 45,800 के लगभग का है, A51 5G जो है वो लगभग 38,100 का है। और इसके अलावा सैमसंग के जो लॉन्चेस हैं इस साल वो बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं है COVID-19 से। सैमसंग का फोल्ड 2 और नोट 20 के जो लॉन्च हैं वो बिल्कुल टाइम पे आने वाले हैं, उनका कोई भी जो डिले नहीं होगा। हालांकि उनकी जो 3 नैनोमीटर की जो चिप है, सैमसंग की एक चिप डेवलप हो रही है, वो लेट हो जाएगी, 2022 में आएगी, लेकिन इनके जो ये हैं इसमें कोई जो है वो देरी नहीं होगी। वन प्लस के फ़ोन में फ्लैगशिप ग्रेड के अंदर एक जो कमी थी वो ये थी कि फ़ोन के अंदर वायरलेस चार्जिंग नहीं थी। तो अब वन प्लस ने कन्फर्म कर दिया है कि अब जो है उनका फ़ोन जो आएगा 8 सीरीज़ वाले वो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करेंगे, और उनका जो वायरलेस चार्जर आएगा वो भी 30 वॉट या इससे ज़्यादा जो है वो वॉर्प चार्जिंग बोला यहाँ पर, 30 वॉट की जो वॉर्प चार्जिंग है वो आपको वायरलेस वाले जो आएंगे ना उनमें देखने को मिलेगी।
साथ ही साथ वन प्लस एट की जो है, एट नहीं मतलब एट प्रो की जो है, वो कुछ क्या कहते हैं लो लाइट फोटोग्राफी यहाँ पर शेयर की गई है अनदर फ्लैगशिप के साथ में। जी हाँ, तो वन प्लस वाले कहते हैं कि हम मेगापिक्सल पे नहीं जाते हैं, हम जो क्वालिटी आपको दिखाते हैं, तो ये वाली क्वालिटी आप जो है देख सकते हो, ये वन प्लस की है। जो पीछे का जो क्या कहते हैं आसमान है, वो बड़ा नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे में येलो येलो या फिर रॉ फोटो ली गई, उसको बिल्कुल भी फिनिश करने की कोशिश नहीं की है, जबकि वन प्लस ने अपनी फोटो काफ़ी अच्छे से चमका धमका के जो है वो दिखाई है। ये एक और फोटो है वर्टिकली, अब कहाँ की है पता नहीं, लेकिन आप देख लो जिससे आपको पता लगे ये टेलीफोटो में, यानी कि फोटो यही है लेकिन टेलीफोटो इसको यहाँ पर जूम करके दिखाया गया है। और जो अपने ओप्पो भाई साहब हैं, जी हाँ ओप्पो के पास भी जो है वो सुपर फास्ट चार्जिंग है, वूक बोलते हैं, तो ओप्पो का भी जो है वो अब एक वायरलेस चार्जर आएगा एयर वूक बोल के। जी हाँ, ओप्पो एंड वन प्लस ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है, नाम ही अलग अलग हैं, तो उनका वॉप आएगा और इनका जो है वो एयर वूक आएगा। क्या बोलते हैं वायरलेस को, बोलते हैं एयर वूक। ये एक फोटो है, लीक निकल के आई है, ऑफिशियल फोटो जब आएगी तो आपको दिखा देंगे। ठीक है जी, पिछले वीडियो का जो पोल था हमारा, वो कुछ ये था कि मैंने पूछा था कि आप ऑनलाइन में क्या देख रहे हैं, तो मोस्टली यहाँ पर 79% लोगों ने बोला कि वो यूट्यूब ही देख रहे हैं, या कुछ और भी ज़बरदस्त है जो 10% लोग देख रहे हैं, जो कि जो है वो ब्लॉग्ड है इंडिया में, लेकिन जुगाड़ करके देख लेते हैं, या फिर टेलीग्राम के जो ग्रुप्स हैं वहाँ पर भी आप जो है वो देख सकते हैं। तो लेकिन क्या आपने टेलीग्राम पर शर्मा जी टेक्निकल को सब्सक्राइब किया है? नहीं किया है तो मैं लिंक दे रहा हूँ यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप सर्च कर लो शर्मा जी टेक्निकल और फॉलो कर लो, वहाँ पे ज्वाइन कर लो, टेंशन वाली बात नहीं है। तो 5% लोग देख रहे हैं सिर्फ नेटफ्लिक्स, 3% देख रहे हैं प्राइम, और 1% लोग देख रहे हैं हॉटस्टार। तो मैं तो भाई सब कुछ देखता रहता हूँ। प्राइम पे मैंने अभी जो है कल ही देखा था पंचायत नाम की एक सीरीज़ है, काफ़ी अच्छी है, रूरल इंडिया की चीज़ों को बताती है, वो आप देख सकते हैं। नेटफ्लिक्स के ऊपर दुनिया भर की चीज़ें हैं जो आपको टेलीग्राम पे भी, टेलीग्राफ या टेलीग्राम जो भी, टेलीग्राम पे भी मिलती रहती हैं, और 10% चीज़ें हैं वो ब्लॉग्ड हैं, तो उसके लिए वीपीएन का जुगाड़ आप लगा ही लेते हो, और क्या बोले, है ना। तो आज का सवाल आपसे ये है कि अगर आपको मौका दिया जाए चूज करने का कि भैया हमको जो है वो एक इंडिया में असेंबल्ड या मैन्युफैक्चर फोन लेना है, या फिर हमको जो है वो मेड इन चाइना, मेड इन वियतनाम, मेड इन ताइवान या कहीं का भी जो है वो फोन लेना है, तो पोल है ऊपर यहां पर जाना है कि अपने को क्या चाहिए, मेड इन इंडिया चाहिए या असेंबल्ड इन इंडिया उसको बोलेंगे, या मैन्युफैक्चर मेक इन इंडिया बोलेंगे, मेक इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, कौन सा लेना आप प्रेफर करेंगे और क्यों? अगर आपके मन में कोई जवाब है तो ज़रूर से कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक शाइक तो आप कर दो, आपकी मर्ज़ी है, हमको कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन हाँ हर चीज़ के लिए बोलना ही पड़ता है, यहाँ पे मांगना पड़ता है, मंगता बनना पड़ता है। एक लाइक की कीमत तुम क्या जानो सब्सक्राइबर बाबू, हमको पता है एक लाइक की कीमत क्या है, अनमोल है जी अनमोल है, कोई कीमत उसकी लगा ही नहीं सकता है। शराब की दुकानें बंद, पत्नियां खुश, सुनार की दुकानें, कपड़े वालों की दुकानें बंद, पति खुश, चारों तरफ खुशी का ही खुशी का माहौल है ना। तो बस ये तो थी आज की न्यूज़, और मुझे उम्मीद है कि आपको जो पसंद आई होगी। लॉकडाउन में एक चीज़ सीख ली हमने, जीवन जीने का जो खर्चा है वो बहुत कम है, सिर्फ लाइफस्टाइल और दिखावा जो है वो ही खर्चीला है। इस चीज़ को आप क्या कहते हैं एक्सपीरियंस करोगे अगर आप हमारा व्लॉग देखोगे तो। शर्मा जी इन्फिनिटी के ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, कार्ड्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, खोल के देखना, 7 आ चुके हैं, 8वां कल आने वाला है, आप बने रहिए और बोलते रहिए भारत माता की जय।